एवरीवन, दिव्या सुपरचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई त्योहार आता है और कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आज मैं आप लोग के साथ मावा मालपुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मावा मालपुआ नॉर्थ में इसे होली पे जरूर बनाया जाता है। इसको आप मालपुए को कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हो और मावा के साथ यानी खोआ के साथ भी बना सकते हो। आज मैं इसे मावा के साथ बनाऊंगी, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा मालपुआ बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम्स मैदा लिया है और ये 200 ग्राम्स मैंने मावा लिया है। मावा यानी खोया लिया है। ये मेरा घर का बनाया हुआ खोया है, आप चाहो तो मार्केट का ले सकते हो। अगर 100 ग्राम्स मैदा लेंगे तो 200 ग्राम्स यहाँ खोया लेंगे। अब दोनों को एक मिक्सी के जार में डालेंगे। तो ये मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और ये जो मैंने मावा लिया था उसको इसमें डाल देंगे, सारा मावा को, और ये जो मैदा है सारा मैदा भी इसमें डाल देंगे। और इसमें दूध डालेंगे, तो ये मैंने एक कप दूध लिया है, इसको डालेंगे। पहले आधा कप डालेंगे, उसके बाद फिर इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद फिर आधा कप डालेंगे। तो देखिए मैंने पूरा एक कप दूध डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको निकाल के एक बोल में रखेंगे। तो अभी मैंने इसको निकाल के एक बोल में रख लिया है। अब इसमें ये बेकिंग सोडा डालेंगे, एक पिंच डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और ये मैंने सौंफ लिया है 1 टीस्पून, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून ये मैंने सूखा नारियल लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है, इसे भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अगर आप थोड़ा इसे क्रिस्पी रखना चाहते हैं मालपुए को तो आप 2 चम्मच यहाँ पे सूजी भी मिला सकते हो। और अगर आप चाशनी वाली मालपुआ नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी डाल के भी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के भी इसे बना सकते हो। अब इसको कवर कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है और 1 बड़ा कप से मैंने ये चीनी लिया है, 250 ग्राम चीनी है। 1 कप अगर चीनी लेंगे तो 1 कप ही पानी डालेंगे, तो ये मैंने 1 कप पानी लिया है, पानी को भी इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे चिपक सकती है। अब इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर लिया है, इसे इसमें डाल के मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने कुछ केसर के धागे लिए हैं, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप करें, आप सिर्फ चीनी डाल के भी चाशनी बना सकते हो। इसको लगातार हिलाते रहेंगे और इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, ये बस सिर्फ चिपचिपा हो जाए, बस उतना ही इसे पकाना है। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है, इसे उठा के ऐसे देख लेंगे, ऐसे अगर चिपकने लगे तो मतलब चाशनी तैयार है। जब ठंडा हो जाए तभी इसको टच करके देखें। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अलग रख देंगे। अब मालपुआ बनाएंगे। तो ये मैंने जो बैटर रखा था अच्छी तरह से सेट हो गया है और मालपुआ बनाने के लिए तैयार है। तो ये मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चाहो तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करेंगे घी को। तो अभी घी गर्म हो गया है, अब 1-1 बड़ा चम्मच में इसे उठाएंगे और ऐसे एक ही जगह पर इसको ऐसे धीरे से डालेंगे। आपके कढ़ाई में जितनी जगह है 3, 4, 5 ऐसे आप डाल सकते हो। अब ये एक साइड से हो गया है, इसको ऐसे पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसे बीच बीच में उलट पलट करते रहेंगे।
तो ये मैंने सबको पलट लिया है। अभी देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और अच्छे से फूल भी गया है। इसको एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे, छोटे बड़े साइज़ जो भी साइज़ आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं और थोड़े बड़े साइज़ के भी बनाए हैं, ऐसे डाल दिया है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया है, पतले या मोटे जैसे भी आपको मालपुआ पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। इसको भी उलट पलट कर लेंगे और ऐसे उठा के इसको निकालेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा। इसको किनारे पे ला के ऐसे निकालेंगे। अब ये जो मैंने चाशनी बनाई थी इसको मैंने रखा हुआ है, इसमें इसको डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्का गर्म चाशनी में ही इसको डालेंगे। तो एक साइड से मैंने इसको डाल दिया है, वैसे पलट लेंगे और दो मिनट तक इसमें डाल के इसको छोड़ देंगे। तो दो तीन मिनट में ये चाशनी अच्छी तरह से अंदर चली जाएगी। अब ये हो गई है, अब मैं इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो इसको ऐसे उठाएंगे जैसे इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए ये मालपुआ बनके तैयार है, मैंने एक प्लेट में निकाल के इसे रख लिया है। अब मैं इसे रबड़ी के साथ सर्व करूँगी, क्योंकि रबड़ी के साथ ये मालपुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैंने पहले से बना के रबड़ी को रख लिया है, तो इसे भी इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के और इसको डेकोरेट करेंगे। रबड़ी के साथ अगर आप मालपुआ खाएं तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि रबड़ी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे आप चाहो तो चाशनी के साथ भी खा सकते हो। सब पर अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार इस होली में मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।